हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास कुकिंग सेशन में आपका स्वागत है। कि हम बनाएंगे दूध से ही बनी एक डेलीशियस इंडियन रेसिपी, यानी कि रसमलाई। पर हम बनाएंगे ब्रेड रसमलाई, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से बन जाती है और उसको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध और उसमें हम डालेंगे 65 से 70 ग्राम चीनी। मैंने लिया है थोड़े से बारीक कटे पिस्ता, थोड़ी सी इलायची पाउडर, बारीक कटे बादाम और थोड़ा सा केसर। अब हम गैस ऑन करके एक पैन में आधा लीटर दूध डालेंगे और उबाल आने तक उसे मध्यम आंच पर पकने देंगे। देखिए दूध में उबाल आ रहा है। जैसे ही दूध उबलने लगे तो हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और उसमें अच्छे से करछी घुमाएंगे। करछी हमें तले से लगाते हुए घुमानी होगी, इससे हमारा दूध उफन कर बाहर नहीं आएगा और जलेगा भी नहीं। अब हम डालेंगे इसमें हमारी 65 ग्राम चीनी और उसे अच्छे से मिलाएंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, हम हमारे ब्रेड के स्लाइसेस को रेडी कर लेंगे। इसके हमें ब्राउन पार्ट्स काट कर अलग करना है। इस तरीके से हमारे ब्रेड को हमें रेडी करना है। अब मेरे पास कुछ कुकी कटर्स है, उससे मैं इसे अलग अलग शेप में काटूंगी। आप चाहे तो कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, मैंने आज ये वाला शेप चूज़ किया है। आप चाहे तो सिंपली उसे चाकू के हेल्प से स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। इस तरीके से हमें हमारे सारे ब्रेड के स्लाइसेस को काट कर रेडी करना है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी फेंकना नहीं, उसे भी दूध में डालकर हम सर्व कर सकते हैं। और ये जो ब्राउन पार्ट है वो भी नहीं फेंके, उसकी भी एक बहुत ऑसम रेसिपी है, वो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। ये देखिए हमारे सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर रेडी है। अब हमारे पैन के साइड में जितनी भी मलाई लगेगी हमें उसे खुरचते हुए दूध में डालना होगा, ताकि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो। अब हम दूध में थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर, फ्लेवर और अरोमा आएगा। हर 2 मिनट में हमें करछी दूध में घुमाती रहनी पड़ेगी। देखिए हमारे दूध में बहुत ही प्यारा सा कलर आया है और ये लगभग आधा रिड्यूस भी हो चुका है। हम इसे और करीब 5-6 मिनट तक पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे। हमें इसे धीमे आंच पर ही पकाना होगा। अब हमारा दूध अच्छे से पक गया है और अच्छे से रिड्यूस हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है हमारा दूध। अब इसे हम निकाल लेंगे गैस की फ्लेम ऑफ करके। देखिए हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसी गरम गरम दूध में हम हमारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बारीक कटे बादाम, बारीक कटे पिस्ता। थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी, बाकी डाल दूँगी। आप चाहे तो इसे पहले भी डाल सकते हैं, पर अभी डालें तो इसका अच्छा बाइट आएगा। अब मैं बताती हूँ कि रसमलाई को सर्व कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हम हमारे ब्रेड के कटे हुए स्लाइसेस रखेंगे एक प्लेट में। हमें डीप प्लेट लगेगी इसमें और उसमें हमारी रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारे ब्रेड के स्लाइसेस अच्छे से डीप हो सके। और इसे हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर देंगे और इसे हम करीब 10 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे। ये ठंडी बहुत अच्छी लगती है। देखिए रसमलाई बनकर रेडी है। और अगर इसमें आप ब्रेड के स्लाइसेस 2 घंटे भी डिप कर रखें तो वो गलेंगे नहीं। इसे आप चिल्ड ही सर्व करें। तो कैसी लगी रसमलाई? है ना मजेदार? जितनी टेस्टी हमारी ट्रेडिशनल रसमलाई लगती है, उतनी ही टेस्टी ये भी लगती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर